नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाटीदार होम्योपैथिक सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही कॉमन डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। ऐसी बीमारी जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ी से फैल रही है, और इसके तेज़ी से फैलने का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वह कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ स्टाइल है वह चेंज हो रही है। हमारे खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारा जो रूटीन है डे टू डे लाइफ के अंदर वह डिस्टर्ब होने लगा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो खराब दिनचर्या है उसके कारण यह बीमारी आजकल हमारे शरीर में ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए दोस्तों, थ्रू आउट द वर्ल्ड यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और दोस्तों इंडिया के अंदर यानी हमारे देश भारत में यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इतनी तेज़ी से कि आजकल इंडिया को इस बीमारी का कैपिटल कहा जाने लगा है। दोस्तों, आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ यानी मधुमेह की। तो दोस्तों, इंडिया जो है डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल हो गया है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, जैसे कि डायबिटीज़ क्या होती है, किनको हो जाती है, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, और साथ में जो है डायबिटीज़ कितने टाइप्स की होती है, और बात करेंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट की। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, जानते हैं डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है दोस्तों, किसी को भी हो सकता है, यानी पुरुषों को भी हो सकता है, महिलाओं को भी हो सकता है, और छोटे बच्चों में भी ये देखा जाता है। दोस्तों, यदि हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें कि आखिर डायबिटीज़ की वजह से हमारे शरीर में क्या बदलाव हो जाते हैं। दोस्तों, हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो खाने से जो है बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो एक्टिव हो जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं वह हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। बॉडी में मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंतर्गत हमारी बॉडी के अंदर शुगर बनती है, और यह शुगर का बॉडी में एक डिजायर्ड लेवल होता है। दोस्तों, इस शुगर को मैनेज करने के लिए हमारे शरीर में पैनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है। इससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है दोस्तों, वो होता है आपका इंसुलिन। तो दोस्तों, यह जो इंसुलिन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी इंसुलिन ये देखता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो प्रॉपर है या नहीं है। दोस्तों, जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन का जो सीक्रेशन है यदि वो कम हो जाता है, तो दोस्तों जिसके कारण हमारी बॉडी का जो ब्लड लेवल शुगर लेवल है वो इंक्रीज होने लगेगा। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि यदि किसी को डायबिटीज़ है तो उसे किस तरह के लक्षण देखने में मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है पॉलीयूरिया, मीन्स पेशाब का बार बार आना और अधिक मात्रा में आना। अत्यधिक शुगर और पानी पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती है, इसलिए पेशेंट को पेशाब ज़्यादा होती है, और पेशाब ज़्यादा होने की वजह से पानी जो है शरीर का सूख जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को अगेन प्यास लगती है, और हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसको लगता है कि ब्लड में शुगर का जो परिमाण है वो ज़्यादा हो गया है। इसके बाद भी जो है मसल्स को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इसलिए ब्रेन एक सिग्नल भेजता है कि ज़्यादा जो है खाना खाओ। तो डायबिटिक पेशेंट में जो है दोस्तों भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। अगला सिम्टम्स आता है दोस्तों कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनके यूरिन में इन्फेक्शन बार बार होने लगता है, क्योंकि यूरिन में शुगर का लेवल इंक्रीज होने से बैक्टीरिया वायरल जो है जल्दी से ग्रो करते हैं। दोस्तों, इन लोगों को इन्फेक्शन की बहुत जल्दी वो हो जाती है, साथ में मसल्स में वीकनेस आती है, हाथ पैर जो है पतले हो जाते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट की इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, और बैक्टीरिया वायरस जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। यदि किसी पेशेंट को चोट लग जाती है और साथ में यदि वो डायबिटिक है, तो कई बार देखा जाता है दोस्तों इन्फेक्शन अनकंट्रोल्ड होने से उसका पैर भी काटना पड़ता है, जिसे कि एम्पुटेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से एंड ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, जैसे बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, दोस्तों ये सब डैमेज होने लगते हैं, और खासकर हमारी जो नर्व्स है हाथों की पैरों की, ये डैमेज होने लगती है। आंखों के कैटरेक्ट जिसमें मोतियाबिंद हो जाता है दोस्तों, और मोतियाबिंद को ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। आँख के अंदर का जो पर्दा है दोस्तों, जिसको कि रेटिना कहा जाता है, वो भी डैमेज हो जाता है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी किडनी पे भी इफेक्ट डालता है, किडनी ख़राब होना शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में प्रोटीन अधिक मात्रा में निकलने लगता है, जिसको कि माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहा जाता है। दोस्तों, शुगर यदि फिर भी कंट्रोल नहीं किया गया तो कुछ सालों में ही जो है किडनी दोस्तों ख़राब हो सकती है, और पेशेंट को डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है। पैरों की नसें जो है ख़राब हो जाती है, और मरीज़ की जो शिकायत रहती है कि उसके पैरों में जो झुनझुनाहट हो रही है, और फिर भी झुनझुनाहट के लेवल पे भी यदि इसको नहीं ठीक किया जा सकता है दोस्तों, तो आगे जाके ये सुन्नपन में बदल जाता है, यानी कि हाथों पैरों में जो है नमनेस की फीलिंग आती है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है।
दोस्तों जानते हैं कि इसमें डायबिटीज में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। पहला टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, यानी कि आपने यदि पिछले 8 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है तब ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अगर दोस्तों यदि आपकी ब्लड शुगर लेवल 100 mg/dl से कम आती है तब तो आप जो है आपका वेल कंट्रोल्ड शुगर है, और 125 तक भी आती है तो भी इवन चल जाएगा। लेकिन यदि 125 mg/dl से कहीं ना कहीं आपकी ब्लड शुगर अधिक आती है तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं या आपको डायबिटीज़ हो गई है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा टेस्ट आता है वह है PPBS, और इसको खाने के यूजली 2 घंटे बाद परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि जैसे हम बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं दोस्तों तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है और शुगर लेवल अपना बढ़ जाता है। तो PPBS एक ऐसी जाँच है जिसमें हम पता कर सकते हैं शुगर लेवल का, जो कि हमने खाना खाने के बाद का जो हमारा लेवल है। इसकी रेंज दोस्तों 140 mg/dl से जो है कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जब होती है तब आपको जो है ये डायबिटीज़ हो जाती है। थर्ड जो एक वेरी इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है दोस्तों HbA1c, ये 3 महीने की एवरेज शुगर जो है इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है, और इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ज़रूर करा के देख लेना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि आपकी शुगर लेवल किस दिशा में जा रही है। इसकी वैल्यू दोस्तों 6 से कम आती है, और यदि जितनी ज़्यादा इसकी 6 के बाद 7 8 इस तरह यदि इसकी वैल्यू आती है दोस्तों उससे आप समझ सकते हैं कि आपकी डायबिटीज़ कितनी अनकंट्रोल्ड है। टाइप्स की बात करते हैं दोस्तों, 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है दोस्तों उसको जुबेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है, और यूजली इसके जो पेशेंट होते हैं वो 10 से लेकर 14 साल की एज ग्रुप के जो है बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है दोस्तों। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ है दोस्तों जो कि बच्चों में पाई जाती है। इसमें इंसुलिन या तो बहुत ही कम बन रहा होता है या बिल्कुल ना के बराबर बन रहा होता है। ये वही इंसुलिन है दोस्तों जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको अलग से इंसुलिन दिया जाता है ऐसे बच्चों में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों जो सेकंड नंबर है टाइप 2 डायबिटीज़, इसको कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया में केस है दोस्तों, जिसको कि डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है टाइप 2, ये बहुत ही कॉमन एक वेराइटी है डायबिटीज़ की दोस्तों। इसमें इंसुलिन बनना एकदम कम नहीं होता है, एकदम बंद नहीं होता है, लेकिन जो है कम हो जाता है, क्वांटिटी कम हो जाती है, जितना आपके शरीर को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है दोस्तों। पेनक्रियाज का बेसिक काम इंसुलिन बनाना है, और पेनक्रियाज में इंसुलिन बन भी रहा है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, जितना आपके शरीर को चाहिए उतना नहीं बन पाने से जो है बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, और इसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है दोस्तों। कुछ अदर बीमारियों के चलते भी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है दोस्तों। इसका जो तीसरा टाइप है जो कि हमने बताया था कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो ये मेनली गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान में देखा जाता है। गर्भावस्था के दौरान दोस्तों हार्मोनल इम्बेलेंस के चलते इंसुलिन का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसका रिजल्ट होता है कि उनके ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है। कई बार प्रेगनेंसी के बाद ये स्वतः ही जो है दोस्तों ठीक हो जाता है, और कई बार देखने में मिलता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए दी जाती हैं और वेरी इफेक्टिव है। लेकिन दोस्तों दवाइयाँ बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में यह मिथ है कि होम्योपैथी की मीठी गोलियों से जो है डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकते हैं, उससे शुगर उनकी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मिल्क में मौजूद लैक्टोज से ये गोलियाँ बनाई जाती हैं, इससे डायबिटीज़ आपकी नहीं बढ़ेगी दोस्तों। आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है चियोनेंथस का मदर टिंचर, और ये मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मदर टिंचर है दोस्तों। यदि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, यदि आपको अभी अभी डायबिटीज़ शुरू हुई है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, आपकी भूख बढ़ गई है, उन सब कंडीशन में दोस्तों ये होम्योपैथिक दवाई आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। इसको आपको 10-10 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह और शाम को प्रयोग करना है। 1 से 2 महीने में ही आप देखेंगे कि आपकी शुगर लेवल काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है वह है साइजेरियम जंबोलिनम का मदर टिंचर, और साथ साथ आपको एक और मदर टिंचर इसके साथ लेना है दोस्तों, वह अब्रोमा अगस्ता का मदर टिंचर। दोनों ही मदर टिंचर्स को दोस्तों आपको 10-10 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी के साथ मिला के दिन में 2 बार प्रयोग करना है। तो यह मेडिसिन दोस्तों आपको कंटिन्यू करनी है, कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट इनको कंटिन्यू रख सकता है। 2 महीने बाद आप ब्लड टेस्ट करा के देखेंगे और आप जानेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट इसमें आ गया है। तो दोस्तों ये जो 2 मेडिसिन मैंने बताई हैं आपको, साइजेरियम जंबोलिनम और एब्रोमा अगस्ता, ये हर मरीज को जो है लेना है। अब जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों वो सिम्टोमेटिक लेना है। यदि आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो ये आप 2 अदर मेडिसिन के साथ इनको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन है उसमें फर्स्ट है जिमनेमा सालवेस्टा का मदर टिंचर, और जिमनेमा आपको उन केसेस में लेनी है जिन केसेस में आपका अचानक से वेट लॉस हो रहा है। जैसे डायबिटीज पेशेंट में होता है कि उनका वजन लगातार कम होता जाता है, यदि ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं दोस्तों तो आपको
जिम्नेमस हार्वेस्टर 2x पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना है। एक और दवाई आती है दोस्तों, लैक्टिक एसिड 30, और लैक्टिक एसिड आपको तब लेना है, कई बार ऐसे देखा जाता है कि डायबिटीज पेशेंट को जो है साथ साथ जो है उनको रूमेटिक कंप्लेंट भी होने लगती है, उनके जॉइंट्स में हाथ पैरों में जो है वो पेन होने लगता है। यदि इस कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि आपको डायबिटीज़ के साथ साथ जॉइंट पेन की कंप्लेंट हो रही दोस्तों, उसमें आपको लैक्टिक एसिड 2x का प्रयोग करना है, दो दो गोली सुबह और रात को। अगली मेडिसिन है दोस्तों यूरेनियम नाइट्रिकम 4x, और यदि आपको डायबिटीज़ कंडीशन के चलते यदि किडनी ट्रबल्स हो रही है, जैसे मैंने बताया कि किडनी उसमें कई बार डिस्टर्ब हो जाती है उसके फंक्शन, और कई बार जो है कि पेशेंट को किडनी फेलियर भी हो जाता है दोस्तों, तो उन सब कंडीशन में आपको यूज़ करनी है यूरेनियम नाइट्रिकम 4x टेबलेट। और दोस्तों यूरेनियम नाइट्रिकम तब भी दी जाती है जब पेशेंट को रात में अधिक बार उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, जैसा कि डायबिटीज़ का एक कॉमन सिम्टम है। तो दोस्तों इसमें भी यूरेनियम नाइट्रिकम 4x में आप यूज़ कर सकते हैं, ये टेबलेट फॉर्म में आती है, दो दो गोलियाँ सुबह दोपहर रात 3 बार आपको चूसना होता है। दोस्तों यहाँ जो मैंने आपको मदर टिंचर्स बताए हैं, वो दो मदर टिंचर्स वो सभी को लेना है, बाकी मेडिसिन आप एज पर सिम्टम्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके सिम्टम्स उसमें मैच करें। तो दोस्तों हमारी अगली दवाई आती है इंसुलिनम 30, और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि शुगर लेवल को काफ़ी तेज़ी से कम करती है। इस मेडिसिन का प्रयोग आपको तब करना है जब आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई निकल गया है, लगभग 250 से 300 mg पर डाइल्यूशन तक निकल गया है दोस्तों। तो इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार प्रयोग करना है, 5-5 बूंद डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 1/4 कप पानी में भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने आपको मेडिसिन की जो जानकारी दी है काफ़ी इफेक्टिव ये मेडिसिन है दोस्तों, इसको रेगुलर यूज़ आपको करना है। जो दो मेडिसिन मैंने बताई थी मदर टिंचर, साइजेरियम जंबुलीनम और एब्रम अगस्ता, आपको रेगुलर यूज़ करनी है, बाकी मेडिसिन आपको एज पर सिम्टम्स यूज़ करनी है। दोस्तों ये मेरे द्वारा बताई गई जानकारी थी जो कि डायबिटीज़ और मधुमेह के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहने वाली थी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथी डिजीज रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।